प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 5 मई से 18 वर्ष पार वालों को कोरोना वैक्सीन लगने की घोषणा की थी। सेगावा के सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए नवीन वैक्सीन सेंटर कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पर 18 पार युवा सुबह से ही पहुंचने लगे थे, लेकिन वहां पर अभी 18 पार वालों के लिए वैक्सीन नहीं पहुंची है। यह सुनकर युवा मायूस नजर आए। वहीं BMO डॉक्टर मनीषा मंडलोई ने बताया कि हमारे द्वारा 45 पार वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है और अभी तक 18 पार वालों के लिए हमें जिले से वैक्सीन प्राप्त नहीं हुई है। वैक्सीन के आते ही हम उन्हें भी टीका लगाएंगे, बाकी सारी तैयारियां हमारे द्वारा पूर्ण कर ली गई है। वहीं आज 18 पार वालों को कोरोना वैक्सीन टीके नहीं लगने से वह मायूस नजर आए। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। 18 साल से ऊपर वालों को क्यों नहीं वैक्सीन लगते? 18 साल वालों के लिए अभी हमारे ब्लॉक पे कोई वैक्सीन नहीं आई है। प्लान बन गया है, अभी डिस्ट्रिक्ट पे ही हो रहा है। जब वहाँ पे सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ से ब्लॉक से भी हम स्टार्ट कर देंगे। अभी सिर्फ हमारे पास 45 प्लस और 60 प्लस वालों का ही वैक्सीन है। क्या नाम? डॉक्टर मनीषा मंडल। आज वैक्सीन लगवाने गए थे क्या? हाँ, आज 18 पार वालों को मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार आज वैक्सीन लगना थी, लेकिन आज वैक्सीन सेंटर पर हम दोस्तों के साथ पहुँचे, वहाँ वैक्सीन नहीं अवेलेबल थी, तो हम वापस घर की ओर लौट आए। तो कितने लोग गए थे? 8 से 10 लोग गए थे। तो क्या वैक्सीन क्यों नहीं आई, कारण बताया कुछ? नहीं, कुछ कारण नहीं बताया। क्या नाम लिखता? राम यादव। आपका टीका लगवाने आए थे, टीका लगा क्या आपको? टीका तो नहीं लग पाया, वैक्सीन ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी द्वारा बोला गया था कि 5 मई से 18 प्लस वालों को सभी को टीका लगाया जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ सेंटर पर आए तो पता चला कि वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है, जिस कारण से सभी मायूस होकर घर लौट गए। क्या नाम लिखता? जितेंद्र यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।